क्या मामला था? मामला ये था, हमारे ढाबे से 15-20 लड़कों ने हमारे पापा को और छोटे भाई को जबरदस्ती करके उठा के ले गए बिनावर। वहाँ पे जाकर पापा को अलग बंदी बनाया, छोटे भाई को पूरे बिनावर में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न दिया, उसको उठा बैठक लगवाई और लोगों के पैर छुवाए, जूते चढ़वाने को कहा, और ये बोला कि अगर ये चर्चा किसी से की तो तुम्हारे लिए हम मार देंगे, मारने की धमकी दी। उसके बाद में जब वहाँ के गांव वालों ने उसको पहचाना कि हमारे तैयार है, तब वहाँ भगदड़ मची तो सारे भाग गए। फिर गांव के कुछ लोगों ने 4-5 अपराधियों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया, किंतु उससे पहले पुलिस अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। काफ़ी बवाल होने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। वीडियो वायरल हुआ है, जो यूट्यूब पर कई न्यूज़ चैनलों पर यूट्यूब पर वायरल है, जो साथ में सभी लोग देख रहे हैं। उससे छोटे भाई और हमारी पारिवारिक जो इज्जत थी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। मामला है, आज क्यों आए आप? मामला ये है कि हमारे छोटे भाई जो है एक शादी में गए थे, वहाँ पे हमारी फुफेरी बहन को इन लोगों ने, मतलब एक विमल नाम के लड़के ने छेड़ा था, तो उसका विरोध किया छोटे भाई ने और फुफेरे भाई ने। उसके बाद में वहाँ पे मारपीट थोड़ी हुई थी, मामला शांत हो गया। उसके बाद में अगले दिन मेरा छोटा भाई ढाबे पर आके बैठा था, वहाँ पर 15-20 लोग मोटरसाइकिल 4-5 मोटरसाइकिल से बुलेरो से आके पापा को और उसको मतलब धोखे से ले गया। जब पहले तो बोले कि चलो, उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए, तत्पश्चात जब उन्होंने नहीं माने, दोस्ती करके इनको वहाँ से ले गए, और वहाँ ले जाने के बाद में बिनावर गांव के किसी तीसरे हिस्से में जाके इनको बिठाल दिया। उसके बाद में पापा को वहीं पे मतलब बिठाल के बंदी बना के और छोटे भाई को साथ में ले जाके पूरे बिनावर में गलियों गलियों में उसको घुमाया, उठक बैठक लगवाई, और उसके गले में चैन और अंगूठी थी, 7-8 हज़ार रुपये ढाबे की दुकानदारी के थे, सारे छीन लिए पता नहीं किसने। उसको लोगों के पैर छुवाए, उसकी मतलब मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उसके साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया। वो मानसिक तौर पर इसमें काफ़ी व्यथित है, वो ना ही किसी से ज़्यादा बात कर रहा है, वो घर पे बार बार रात को सोते वक्त उठ रहा है कि बचाओ बचाओ करके। ये सारी कार्रवाई हुई वहाँ पे पुलिस वाले के सामने भी, मतलब थाने के सामने भी ये कार्रवाई हुई, किंतु किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब गांव वालों ने अपनी तरफ से भगदड़ मचाई है, तब जाके मतलब उसके काफ़ी समय 1.5-2 घंटे बाद पुलिस वालों ने कुछ एक्शन लिया है, लेकिन जितने भी अपराधी पकड़े गए उसमें से 5 अपराधी गाँव वालों ने ही पकड़ के दिए हैं, उनकी तरफ से कोई भी अपराधी उस समय तक नहीं पकड़ा गया था। उसके बाद SHO ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा अपनी तरफ से, और उसमें कोई ऐसी, आज 3 दिन हो गए, कोई ऐसी विशेष कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ एक बंदे ने जिसने अपना स्वयं आके वहाँ पे सिलेंडर किया था, उन सब लोगों को लगा के वहाँ पे वो करा दिया गया है, मतलब चालान काट दिया। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम धरना देंगे, हम आगे बढ़ेंगे, UPC के पास जाएंगे। आपका नाम? तो न्याय चाहिए। मेरा नाम सचिन गुवार। आप कौन होंगे? मैं बड़ा भाई।